हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एसुस ज़ेनफोन पैक्स की, जिसमें मैं आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन एक रिव्यू करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको सब स्पेसिफिकेशन बताऊंगा उस फोन के, और ये फ़ोन के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है वो बताऊंगा, और ये फ़ोन आपको किस वेबसाइट से लेना चाहिए, आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ये आपको मैं हिंदी में बताऊँगा, अपनी लैंग्वेज में जो सबको समझ आती है। दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को चालू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2018 साल हमारे सबके लिए बहुत अच्छा गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि 2019 में हमारे लिए अच्छा ही जाएगा। दोस्तों, मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो B2 का यहाँ पे रिव्यू करूँगा मैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एसुस जो आया है अभी, वो अपना फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ लेके आया है, और बहुत ही अच्छी 5000 mAh की यहाँ पे बैटरी मिलने वाली है हमको इसमें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा क्या या इसके डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे इस प्रकार कुछ हमारा डिवाइस रहेगा दोस्तों, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉक है, स्टॉक एंड्रॉयड है, यहाँ पे कोई पैच या OS, मतलब दूसरा OS इसमें है नहीं, हाइब्रिड OS कहते हैं हम जिसको, जैसे YBUI हो गया, जैसे EMI के फ़ोन में आता है वो हाइब्रिड रहता है वो। यहाँ पे प्योर एंड्रॉयड स्टॉक है, जो जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, ये बहुत स्पीड में चलता है। मैं खुद एक स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, Lenovo Kate Note। दोस्तों, में यहाँ पे हमको कुछ भी प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं है, कोई लैगिंग नहीं, कोई हैंग नहीं, कुछ होता नहीं है। गेमिंग के लिए भी ये स्टॉक एंड्रॉयड बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो मैं सबसे पहला इसका फ़ायदा तो यही है कि इसको स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आने वाला है। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब स्पेसिफिकेशन बताता हूँ दोस्तों। जहाँ पे डिज़ाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 हमको यहाँ पे मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए, स्क्रीन टच की, अपने स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 फ्रंट में मिल जाता है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम रहेगी दोस्तों पूरे फ़ोन में, और यहाँ पे बैक में आपको प्लास्टिक का कवर मिलेगा, मतलब प्लास्टिक ही रहेगा ब्लैक में, और जो बाकी फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम की रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं, तो 6.26 इंच का यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस रिजोल्यूशन का आपको डिस्प्ले मिलेगा, 1280x1080p IPS डिस्प्ले दोस्तों। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो बात है, यहाँ पे नॉच डिस्प्ले आ गया है दोस्तों, यहाँ पे एसुस के साथ। तो नॉच डिस्प्ले का अपना अलग ही अंदाज होता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे नॉच डिस्प्ले का हल्का सा यहाँ पे कैमरा और फ्रंट फ्लैश के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी नॉच डिस्प्ले तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। आप किसी भी नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है वो। यहाँ पे चिपसेट की अगर बात करें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660, जो कि बहुत ही आम बात है दोस्तों, सभी मोबाइल में आ रहा है अभी, रेडमी के सभी मोबाइल में वही लग रहा है क्वालकॉम का 660। यहाँ पे हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी हमको 2.2 GHz का क्रायो, इसके 4 क्लस्टर रहेंगे दोस्तों, दो दो इसमें इन्होंने डिवाइड किया है इसको, 4 फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे ये चलेगा, और यहाँ पे 1.8 GHz × 4 यहाँ पे दूसरा हमको क्लस्टर रहेगा CPU में। और यहाँ पे GPU की बात करें तो यहाँ पे एंड्रेनो का 512 GPU मिलेगा हमको। तो ये तो सभी स्मार्टफोन में यही लग रहा है अभी जो आ रहे हैं मिड रेंज स्मार्टफोन में, जैसे EMI का Redmi Note 4 हो गया, तो कोई दिक्कत आती नहीं दोस्तों यहाँ पे स्नैपड्रैगन के साथ में, अगर बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा मिलता है हमको, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर ये फ़ोन में ये लगा है तो। यहाँ पे हमको ये 3 वेरियंट में मिलेगा, 3 GB, 4 GB और 6 GB, यहाँ पे 3 वेरियंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 6 GB का वेरियंट भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया है अभी, तो अगर आपको 6 GB वाला वेरियंट खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हो 3 GB, और यहाँ पे इंटरनल आएगी 32 और 64 GB के आसपास, और आपको इसको एक्सपांड कर सकते हो दोस्तों मेमोरी को 2 TB तक। तो 2 TB तक तो कोई करता नहीं दोस्तों, क्योंकि लैपटॉप में 1 TB आती है। तो अगर आपको कोई, अगर आप ज़्यादा इंटेंस वर्क करते हैं, तो अगर मूवीज़ वगैरह की शॉपिंग है तो आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर रियर कैमरा की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे 12 MP का सोनी का कैमरा मिलेगा दोस्तों हमको, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बढ़िया, मतलब बात है यहाँ पे सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हैं दोस्तों ये, मतलब फ़ोन अगर एसुस का तो भी फिर भी यहाँ पे कैमरा जो है वो सोनी का यूज़ हो रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे सिंगल LED फ्लैश, और ये 5 dual कैमरा रहेगा दोस्तों, ये 12 MP का और 5 MP का डेप्थ सेंसर के लिए, डेप्थ एनेबल, मतलब जो हमारा DSLR मोड जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड ब्लर होता है, वो यहाँ पे मिल जाएगा हमको ड्यूल कैमरा के साथ। और फ्रंट कैमरा यहाँ पे 13 MP का है, उसमें भी हमको LED मिलेगी।
फ्रंट में हमको यहाँ पे ड्यूल कैमरा नहीं मिल रहा दोस्तों, पर रियर कैमरा में मिल रहा है तो अच्छी बात है। जस्ट बैटरी की बात मैंने पहले बताया दोस्तों, यहाँ पे 4000 mAh 5000 mAh की हमको यहाँ पे पावरफुल बैटरी मिलेगी, जिसको 12 W के चार्जिंग के साथ, मतलब बहुत ही सुपर फास्टर टर्बो चार्जिंग जिसको हम कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे हमको ये मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे वो 5000 mAh और यहाँ पे 10 W चार्जिंग। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो ड्यूल सिम मिलेगा, ड्यूल वोल्ट ही रहेगा, वाईफाई तो वो ठीक ही, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने ऐसा है नहीं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और FM रेडियो, सभी यहाँ पे तीनों चीज़ें हमको मिल रही है दोस्तों। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, फेस अनलॉक के साथ भी रहेगा, ये सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, फेस अनलॉक और FM रेडियो भी रहेगा। तो देख सकते हैं अनबॉक्सिंग का, यहाँ पे हमको बॉक्स के अंदर कुछ इस प्रकार का मटेरियल मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक बॉक्स मिल रहा है, एक डाटा केबल मिल रही है, एक चार्जर मिल रहा है और एक डिवाइस, हमारा जो मेन डिवाइस है वो है, और यहाँ पे एक बैक कवर के साथ मिलेगा दोस्तों। ये हमको बॉक्स कंटेंट सिलिकॉन का केस है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। देख सकते इस प्रकार कुछ बैक का डिजाइन रहेगा, यहाँ पे हमारा ड्यूअल कैमरा आएगा, यहाँ पे स्क्रीन का सेंसर आ जाएगा, और ये जो कुछ पिक्चर्स है दोस्तों उसके देख सकते हैं आप ये। तो इस प्रकार रहेगा दोस्तों डिवाइस, चार हमको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ये बहुत ही गुड लुकिंग स्मार्टफोन है दोस्तों, देखने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, परफॉर्मेंस देखना ही पड़ेगा, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहेगा अगर स्नैपड्रैगन है तो, परफॉर्मेंस की तो कोई बात ही नहीं है। नॉच डिस्प्ले यहाँ पे देख सकते हैं, वो LTE के साथ, वो LTE का सिम्बॉल और ये सब आ रहा है हमारे पास में। और इसको एंड्रॉयड पाई का अपडेट आया है दोस्तों, शायद ये अभी ओरियो में आएगा, जब इसको अपडेट करेंगे तब ये पाई में आ जाएगा। इसका जो डिजाइन है दोस्तों बहुत बढ़िया है, मतलब इस प्राइस रेंज में अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया है। इसके प्राइस में भी आपको लास्ट में बताऊंगा इसके प्राइस क्या पे और कितने में आपको मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड ओरियो लिखा है, यहाँ पे मैंने बोला था 8.1 ओरियो के साथ आएगा, और शायद मेरे को लग रहा है दोस्तों इसमें पाई का अपडेट आएगा ही जरूर, गारंटी बोल रहा हूँ मैं, पाई का अपडेट इसमें आएगा ही। इस प्रकार कुछ हमको इंटरफेस मिलेगा जो कि हर ओरियो के स्मार्टफोन में मिलता ही है, तो कुछ इस प्रकार है दोस्तों परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस और ऑडियो की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ग्रिक बेंच पे मार्क में यहाँ पे ये अच्छी रैंकिंग इसने की है दोस्तों, देख सकते हैं रियलमी 2 प्रो और शाओमी रेडमी नोट 6 प्रो के बाद में इसके ऊपर इसका ये रिव्यू है, तो बहुत बढ़िया बात है। 5169 इतना इसने स्कोर किया है दोस्तों ग्रिक बेंच के मार्किंग में, मल्टी कोर के साथ ये था, सिंगल के साथ भी उसने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। और अंतुतु 7 ये जो हमारा जो टेस्ट रहता है परफॉर्मेंस टेस्ट, उसमें भी इसने अच्छी खासी रैंकिंग की है दोस्तों। तो देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 के आगे ये चला गया है, नोकिया के आगे चला गया है, रेडमी 6 नोट 4 रेडमी के तो आगे ही है, ये रेडमी नोट 6 प्रो के आगे। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बेंच मार्क उन्होंने यहाँ पे डाल के रखे वेबसाइट में। और यहाँ पे ऑडियो की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सिंगल ऑडियो एट द बॉटम, हमको यहाँ पे एक सिंगल एक ऑडियो का स्पीकर मिलेगा एट द बॉटम, और क्वालिटी इसकी बहुत गुड है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है इन लोगों ने। तो ओवरऑल इसका जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत ही मेरे को अभी तक तो पसंद आ गया है फोन। फिर प्राइस रेंज की अगर बात करते हैं हम, तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों, इतना गुड लुकिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे हमको कैमरे मिल रहे हैं, LED फ्लैश मिल रहा है, उसकी डिज़ाइन बहुत यूनिक है दोस्तों, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया ये जब देखा ना मैंने। देख सकते हैं डेप्थ एनेबल के इसके सेंसर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से बैकग्राउंड और इसको स्पेसिफाई कर रहा है, अच्छी बात है दोस्तों, देखते हैं अभी
मैं आपको सब वो फोटोज का एक वीडियो लास्ट में डाल दूंगा, तो किस प्रकार का ये रिकॉर्डिंग है। अरे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग की वो भी दिखा देता हूँ, 4K रिकॉर्डिंग का फीचर है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त मोबाइल है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बैटरी का देखते हैं, 5000 mAh की बैटरी है दोस्तों इसमें, सेटिंग वगैरह सब इसके अंदर बैटरी की। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इन्होंने कॉम्पिटिटर उतार दिया यहाँ पे स्मार्टफोन के रेस में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतने ज़्यादा फीचर, इसके प्रोसेसर कौन से मैं आपको बता देता हूँ। अट्रैक्टिव डिज़ाइन, जो मैंने पहले बोला आपको, डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव है, गुड परफॉर्मेंस है, गुड कैमरा, स्टॉक एंड्रॉयड, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड के साथ असुस वापस आ गया है। जो पैच UI थी वो बहुत ही बकवास रहती है दोस्तों, उसमें मोबाइल बहुत लैग होता है। डिस्प्ले डिमिंग, USB कनेक्टर, माइक्रो USB कनेक्टर, नो फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे कॉन्स में लिखा गया है। तो दोस्तों हर एक चीज़ के आगे कोई ना कोई खामियाँ होती है, तो अच्छा ही है दोस्तों ये फ़ोन अगर इस प्राइस में। मैं बताता हूँ आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे असुस ज़ेनफोन मैक्स यहाँ पे 14999 में मिल रहा है दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे 14999 में मिल रहा है दोस्तों ये फ़ोन। तो अगर आपको ख़रीदना है तो दोस्तों मेरी तरफ से तो हरी झंडी दोस्तों, क्योंकि फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है इस क्वालिटी में। 32 GB का वेरियंट जो है वो 13000 का है, और 64 GB का जो वेरियंट है वो 15000 का है, मतलब 2000 का यहाँ पे गैप मिल रहा है हमको। तो अच्छा ही है दोस्तों फ़ोन, अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लेना दोस्तों। और कैसा लगा ये वीडियो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताओ दोस्तों, मैं ऐसे और वीडियो बनाने चाहिए ना बनाने चाहिए वो भी बताओ दोस्तों, क्योंकि मैंने डिटेल में सब बताया आपको किस प्रकार क्या क्या है क्या नहीं है वीडियो में, क्या मोबाइल स्मार्टफोन का क्या इसमें क्या फ़ायदे है क्या नुकसान है सब बताया दोस्तों मैंने। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो भी देख लेना। अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई मोबाइल ले रहे हो 5000 से लेके 20000 के रेंज में, तो और अभी वीडियो डाल रहा हूँ मैं वो देख लेना आप, हिंदी में आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों किस यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कमेंट्स में बताता रहूँगा, कोई सेल वगैरह अगर कोई आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो दोस्तों, थैंक यू।